तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक दिन में प्लेटलेट्स को 60 से 70 हज़ार तक कैसे पुगा सकते हैं, कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे पूर्ति कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अभी तक YouTube पे किसी ने नहीं बताया होगा कि एक दिन में 60 से 70 हज़ार प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये बात हम आपको बता रहे हैं कि एक दिन में 60 से 70 हज़ार प्लेटलेट्स को आप बढ़ा सकते हैं, वो भी अपने घर पर, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है और अपने गांव शहर से ही ये सभी मेंटेन कर सकते हैं और उसी से बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है कि आप उसे 60 से 70 हज़ार प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं? प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स कम होने के कारण क्या है, अगर ये आपको पता नहीं है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए कि प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स क्यों कम होता है, इसके बारे में आप जान लें। तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बकरी के दूध के बारे में। बकरी के दूध में विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बीमारियों से लड़ने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन D, फोलिक एसिड और प्रोटीन से भरपूर बकरी का दूध होता है। बकरी का दूध शरीर को पुष्ट कर प्रतिरक्षित तंत्र को मजबूत करता है, इससे बीमारियों की संभावना ना के बराबर है। बकरी का दूध अगर आपको 200 ग्राम मिल रहा है तो 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को सेवन करें, जब तक आपका प्लेटलेट्स पूरा ना हो जाए तब तक आप 100 ग्राम सुबह दूध और 100 ग्राम शाम को दूध पी सकते हैं। अगर आपको 100 ग्राम दूध प्राप्त हो रहा है बकरी का, तो 50 ग्राम शाम को और 50 ग्राम सुबह आप सेवन कीजिए, जब तक आपका प्लेटलेट्स पूरा ना हो जाए। बकरी के दूध में बहुत से सारे प्लेटलेट्स बढ़ाने के गुण है, जो कि एक दिन में 60 से 70 हज़ार तक आपका प्लेटलेट्स बढ़ा देता है। दूसरा चीज़ है अनार। अनार को काट कर उसके दाने को निकाल लिए, आप इसका सेवन नाश्ते के रूप में या सलाद के रूप में भी कर सकते हैं। आप अनार के बीज को निकाल करके उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, और ध्यान रखें कि जूस निकालने के आधे घंटे के अंदर ही उसको पी लेना है, और इसका सेवन लगातार रखें, जब तक आपका प्लेटलेट्स काउंट पूरा ना हो जाए तब तक आप इसका सेवन लगातार करते रहें। और तीसरा है विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ। विटामिन सी में क्या क्या चीज़ आता है उसके बारे में पहले जान लें। विटामिन सी में संतरा, नींबू और कीवी, और इसमें सबसे ताकतवर चीज़ प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कीवी का उपयोग किया, कीवी फल का आप सेवन कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में मदद करता है कीवी फल। आप इसे उपयोग करने का तरीका भी जान लें। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ को आप सीधा धो करके खा सकते हैं, यानी कि नींबू हो, संतरा हो या कीवी फल हो, इसे धो करके आप डायरेक्ट खा सकते हैं, और इनका जूस भी बना करके आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सेवन लगातार तब तक रखना है जब तक आपका प्लेटलेट्स काउंट पूरा ना हो जाए, तब तक इसका लगातार सेवन करते रहना है। और चौथा है चुकंदर और गाजर। चुकंदर और गाजर भी प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में बहुत फायदेमंद साबित होता है। चुकंदर और गाजर खाने से प्लेटलेट्स काउंट बहुत हद तक बहुत तेज़ी ग्रो करता है, बहुत तेज़ी प्लेटलेट्स काउंट मेंटेनेंस हो जाता है। आप चुकंदर को धो ले, धोने के बाद छिलके निकाल ले, आप इसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं और काट करके भी खा सकते हैं। आप चाहे तो दोनों का मिक्स जूस भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और रोज़ाना इसका एक गिलास जूस प्रतिदिन सेवन करना है, जब तक आपका प्लेटलेट्स काउंट मेंटेनेंस ना हो जाए तब तक इसका लगातार सेवन करना है। और पांचवा है पपीते और पपीते के पत्ते। ये सभी बहुत सारे बीमारियों में काम आते हैं और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। आप चाहे तो पपीते को छील करके सीधा खा सकते हैं, और पपीते के पत्ते को आप पानी में उबाल करके भी पी सकते हैं। आप प्लेटलेट्स को जल्दी बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते से निकाले हुए अर्क और फल दोनों का सेवन कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पपीते के पत्ते और उसके फल दोनों का भी सेवन कर सकते हैं, और प्लेटलेट्स ठीक न होने तक इसका प्रक्रिया दिन में 2 बार दोहराया जा सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही जानकारी लेकर के। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि हाँ आपको कुछ हमसे प्राप्त हुआ है, कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तो इससे हम लोगों को खुशी मिलती है और हम लोग मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही जानकारी लेकर के आप लोगों के लिए आते रहेंगे।
और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरा जब भी वीडियो चढ़े आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।